राजस्थान में आज मतदान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम तरीके की तैयारियों को भी पूरा किया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जेपीएस राठौर, आप मध्य प्रदेश भी गए, राजस्थान में भी तमाम तरीके के जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे, किस तरीके की तस्वीर देखते हैं सर? राजस्थान में राज बदलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में आने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसके आगे जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और बहुत हद तक तेलंगाना में भी। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके का भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुआ था वो इस बार इनको जो है वो धूल चटाने का काम करेंगे, तो आपको लगता है कि जिस तरीके की बातें करते हैं सब हवा हवा ही है? कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो उनकी लाल डायरी है, इस लाल डायरी ने कांग्रेस की हालत को राजस्थान में बेहाल कर दिया है। तो ये लाल डायरी पूरे उनके कुकर्मों का वो दस्तावेज है और इसने पूरी पोल खोल दी है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा नेतृत्व उसमें इन्वॉल्व था और इस तरीके से एक एक पन्ना जब सरकार वहाँ पर बनेगी तो लाल डायरी का एक एक पन्ना वहाँ पर खुलेगा, एक एक दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट के समक्ष और उसके बाद जो प्रभावी कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई की जाएगी। सर, अयोध्या काशी के बाद बताया जा रहा है मथुरा को सजाने की तैयारी चल रही है, पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, तमाम तरीके की उन्होंने योजनाएं भी करी, लेकिन विपक्ष को बहुत तकलीफ हो रही है कि चुनाव के पहले बीजेपी एक बार फिर से धार्मिक एजेंडे को उठा रही है, जबकि अखिलेश यादव कहते थे श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं, तो अगर वहाँ पे योजनाओं का विस्तार होता है तो दिक्कत क्या है? नहीं, वो उनके सपनों में ही आते हैं, सपने वो भूल जाते हैं और उसके बाद जो जब दिन में तो कभी श्री कृष्ण जी का नाम लेते नहीं वो, लेकिन सपने में कभी कभी आ जाते हैं, वो याद दिलाते हैं कि वो यहाँ पर हमारा भी बनाइए कुछ करिए, लेकिन उसके बाद जब जागते हैं तो वो सपनों की तरह उसको भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो प्रभु श्री राम का या काशी विश्वनाथ धाम भगवान शंकर जी का और प्रभु भगवान श्री कृष्ण का दिन में हमको सपने आते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। जिस तरीके से बाकी जगह सजाया संवारा गया, निश्चित रूप से कल को मथुरा में भी हम सजाने संवारने का काम करेंगे। धन्यवाद करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को सजाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।